नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका एग्री डॉक्टर चिन्मयानंद शुक्ला। आज हम कृषि चर्चा सत्र में बात करने वाले हैं कि धान की फसल में भूरा माहू या भूरा फुदका का नियंत्रण हम कैसे करेंगे। किसान भाइयों, यह कीट वातावरण में अधिक नमी होने के कारण या जिन क्षेत्रों में खाद एवं यूरिया का उपयोग असंतुलित मात्रा में होता है या अधिक मात्रा में उपयोग में लिया जाता है, उस क्षेत्र में इस कीट का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसका पौध तथा शिशु दोनों अवस्थाएं धान के लिए हानिकारक होती हैं। किसान भाइयों, यह कीट पौधे के पत्तियों तथा कल्लों के मध्य रहता है और तनों से रस चूसता है, जिसके फलस्वरूप पौधा पोषक तत्व जमीन से नहीं प्राप्त कर पाता है और फलस्वरूप पौधा सूख कर पीला पड़ जाता है। यह शुरुआती अवस्था में छोटे छोटे पैसेज में आपको खेत में दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका अधिक प्रकोप होने से यह पूरे खेत में गोलाई में दिखाई देता है। किसान भाइयों, इसका अधिक अतिक्रमण होने से इसका नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में इसको नियंत्रण करने के लिए आप संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का उपयोग करें, साथ ही साथ रेजिस्टेंस वैरायटी का चयन करें और इसका प्रकोप दिखने पर आप यूरिया खाद का उपयोग करना बंद कर दें 15 दिन तक और अपने धान के खेत में का पानी निकाल देना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो किसान भाइयों, पिप्रोनिल 5% 400 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में अच्छी प्रकार से घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा यह सुझाव आपको पसंद आया है तो हमें लाइक करके अवश्य बताइएगा और अपने किसान साथियों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।